कि खाना सभी के लिए जरूरी होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं अभी त्रिपोलिया में घूम एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स। और पीसीबी व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले व्लॉग में लिखा ही था कि हम बाहर गए थे, इसके अगले दिन थोड़ी बहुत मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़े से दो दिन मेरे डल से गुजरे, लेकिन आई एम बैक। अभी एनर्जी पूरी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अभी मैं नींद से उठाई हूँ, थोड़ा लेट उठाऊँ, क्योंकि क्या है कि जो गोली वोली लेते हैं ना, एंटीबायोटिक्स होती है तो उसका थोड़ा बहुत नशा सा रहता है। राधिका फ्रेम में आ रही है दोस्तों, राधिका फ्रेम में आ रही है, एक्चुअली किचन के अंदर खड़ा हूँ। संडे का दिन है और क्या बन रहा है अभी फटाफट से दिखा देता हूँ। सो भाई संडे की सुबह और मम्मी यहाँ पे बना रही है बिल्कुल गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, और ये गया तेल में पकौड़ा, और हाथ में हथियार लिए खड़ी हुई राधिका। ये देखिए मम्मी बना बना के डाल रही है, राधिका इनको तल रही है। तो खाओ फिर सब जने गरम गरम ब्रेड पकोड़े। अच्छा गर्मा गरम राधिका, ब्रेड पकोड़े तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं? इसके लिए तो बहुत जरूरी है। इसने मैं पिछले ब्लॉग में से पूछा था, मैंने कभी जीमण कितना जरूरी, इसने कहा मुझे नहीं पता किसी और के लिए कितना है, मेरे लिए तो बहुत है। तो ये ब्रेड पकौड़े तुम्हारे लिए कितने जरूरी है? जितना जीवन जरूरी था। सबने कमेंट किया था कि ब्राह्मण होते हैं तो उनके लिए खाना जरूरी होता है, बट मेरा ये मानना है कि खाना सभी के लिए जरूरी होता है, सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही नहीं। ब्राह्मणों में भी फिर आती हो तुम खास, जिसके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। ब्रेड पकौड़ा और थोड़ा सा सॉस ले लिया है, तो अब संडे का ब्रेकफास्ट हो रहा है और पापा ने कर लिया है ऑलमोस्ट। है भाई पापा? अच्छा मनुष्य तो इतना ही खाता है। मनुष्य इतना ही खाता है पापा, फिर आज और दिन में फिर मेन्यू में क्या है? फिर कुछ नहीं है, शाम को चिकन है। चिकन है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, मम्मी भी ब्रेकफास्ट कर चुकी है, पापा भी कर चुके हैं, और ऑब्वियसली राधिका भी कर चुकी है, और वहाँ पीछे कौन है, दादी सा भी कर चुके हैं। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हेलमेट के ऊपर मैंने और शुभम ने माउंट लगाया था, लेकिन उसकी कुछ अटैचमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि जो कैमरा था, जो हमारा एक्शन कैमरा था, वो हेलमेट से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे जा रहा था, जिस वजह से थोड़ा सा वेट भी फील हो रहा था और थोड़ा काफी मतलब ऑकवर्ड सा लग रहा था, काफी बाहर था। तो उसके लिए क्या जे हुक अलग से मंगवाए हैं और वो आ चुके हैं, तो उसको भी खोल के देख लेते हैं कि अब अगर उसके ऊपर कैमरा लगाएंगे तो कितना दूरी पे रहता है। तो भाई ये जेमे जॉन से अपन ने मंगा लिया है, इसको खोल देता हूँ एक बार। सेलर ने देखो क्या जे हुक लिखा है डब्बे पे, बस ढंग के निकल जाए बस। भाई ये एक साथ दो जे हुक आते हैं और ये मुझे सही लग रहा है, इसका काम हो जाएगा। दो जे हुक है और दोनों का ही माउंटिंग, ये जो स्क्रूज लगते हैं इसके अंदर वो है। तो भाई देख लो ये जे हुक आया है और अब की बार मुझे लगता है कि कैमरा हेलमेट से काफी पास में रहेगा। लगता क्या हो गई तुम लोग खुद ही डिफरेंस देख लेना यार। भाई इसको अपन जैसे बैग के उसमें बकल में लगाते हैं ना, ये उसी तरीके से लगता है कुछ। शुभम वाला लगा के तो देखा था मैंने, ये गया इसके अंदर, भाई दबा के डालना पड़ेगा। ये हो गया फिट और ये हुक जाएगा इसके अंदर एक्शन कैमरा। तो अब एक बार अपन इस पर कैमरा माउंट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। अपना एक्शन कैमरा भी आ गया, अपना ऑस्मो एक्शन, और इसको अब इसमें बिठा के और माउंट को कस देते हैं। भाई अब बनी है बातचीत। तो देखो ये देखो अब कितना पास हो गया, कितना डिफरेंस था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे था पहले एक्शन कैमरा, और अब देख लो इसका डिफरेंस कितना कम हो गया, पहन के बताता हूँ। मोटो व्लॉगिंग मोड देख सकते हो, अब काफी पास में आ गया है, पहले करीब इतना दूरी पे था, इतना दूरी पे। भाई साहब हटो, भाई साहब गाड़ी आ रही है, मोटो व्लॉगिंग हो रही है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो प्याज के लच्छे बना ले, इडली फ्राई करी है राधिका ने, खा ले। मैं अभी खा रहा हूँ भाई फ्राइड इडली, कल बनाया था इडली सांभर, तो थोड़ी इडली बच गई तो उसका उपयोग कर दिया। देखिए स्पाइसी फ्राइड इडली बन गई है, कितनी अच्छी, इसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते, कितनी मस्त लगती है टेस्ट है। और देख भी बहुत जबरदस्त रही है। मैंने व्लॉग में बताया था कि अभी थोड़ी एक दो दिन से मेरी तबीयत नासाज चल रही है, तो शहर में जाना था, वहाँ पे कुछ काम था, राधिका को कुछ लेना था, घर के लिए भी कुछ लेना था,
तो वहां पे हम बेसिकली या तो हम ऑटो से जाते हैं या फिर ज्यादातर राधिका और मैं बाइक से जाते हैं, क्योंकि वहां पे गाड़ी नहीं जा पाती, वो छोटी छोटी गलियां हैं। तो मैं तो घर पे ही था, लेकिन राधिका वहां पे जा रही थी, तो जाते जाते वापस आई वो। तो उसने कहा कि अरे आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके लिए व्लॉग करूंगी आज। मतलब उसका पत्नी धर्म जाग उठा व्लॉगिंग के प्रति, कि पति बीमार है तो पति के लिए मैं व्लॉगिंग करूंगी। तो मैंने कहा वाह, अब तो राधिका व्लॉग करके लाएगी, अब तो। अब कोई चिंता नहीं है हमको। अब तो उसने इतनी सारी व्लॉगिंग कर डाली कि बस अब 2022 में ही मेरी व्लॉगिंग अगली शुरू होगी। 2021 तक का तो कंटेंट उसने शूट कर दिया, आप लोग देखो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग। पीसीबी व्लॉग के एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। अर्जुन मेरे साथ नहीं आया है क्योंकि अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं है, और आज का व्लॉग मैं ही कंटिन्यू करूँगी। चलिए तो फिर चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ हमारे फेमस घंटाघर में, और ये जो रोड है जहाँ पे मैं चल रही हूँ ये है नई सड़क, और ये फेमस दुकान है यहाँ की शाही समोसा। ये यहाँ की फेमस दुकान है शाही समोसा, आप भीड़ देखो यहाँ पे। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये है त्रिपोलिया मार्केट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं अभी त्रिपोलिया में घूम रही हूँ, और ये जो मेरे पीछे आप मार्केट देख रहे हैं ये साड़ी का और होलसेल मार्केट है। तो राधिका जी, इतनी सारी व्लॉगिंग करने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी, इतना एडिट मैं कब करूंगा बताओ। अब कोई चिंता नहीं है हमको, अब 2022 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2022 आ जाएगा, इसीलिए तो इतनी सारी की है। इतनी सारी व्लॉगिंग, मतलब खुद आई चल के। अरे आप बीमार हो, मैं व्लॉग करके लेके आती हूँ, कंटेंट लाऊंगी मैं, कंटेंट। अरे मैं क्या करूँ, मैं मार्केट गई थी पर फिर बाद में मुझे लगा कि मैं दिखाऊं क्या। स्टार्टिंग में बताई थी ना शाही समोसे की दुकान है, तो वहां से एक समोसा ले आती, वो खाने का मूड नहीं था मेरा। अरे मतलब मेरे लिए ले आती, आपकी तबीयत खराब थी ना। खाने का मूड नहीं था मेरा, मेरे लिए ले आती भाई। अच्छा आपकी तो तबीयत खराब थी, कैसे ले आती, और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती ना। लेकिन आपके इस योगदान को हम याद रखेंगे, आपको रखना ही पड़ेगा। हम इस योगदान को याद रखेंगे कि आपने हमारे लिए 2021 की पूरी व्लॉगिंग कर डाली। वो तो करनी थी, आप हो ही इतने प्यारे। वाह, ये पॉइंट यहाँ पे हम व्लॉग एंड कर सकते हैं, बस बस दिल जीत लिया। तो कर देते हैं हम व्लॉग का एंड। चलो व्लॉग का एंड तुम ही करो आज, क्योंकि तुमने इतनी व्लॉगिंग करी है, तो व्लॉग का एंड आज आपको ही दिया जाता है, बोलिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम हर व्लॉग के एंड में कहते हैं कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, एडो पचे कही है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय। अब कोई चिंता नहीं है हमको। अब